वो दिखाई, लेकिन अब एक बार फिर से आपको संसद की कुछ नई तस्वीरें हमें मिलने लगी और हम चाहते हैं कि विलंब ना हो, आप तक फौरन पहुंचाएं, तो ये तस्वीरें एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए। तो ये देखिए किस खूबसूरती के साथ इंटीरियर्स किया गया है इस पूरे संसद भवन का। लोकतंत्र का उत्सव इसको बताया जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। लोकतंत्र के जो नया मंदिर है, जिसमें 140 करोड़ लोगों की संविधान के प्रति जो आस्था है, उसका जो मंदिर है संसद, उसकी ये पहली तस्वीरें आपके सामने हैं। पुरानी संसद को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा और नई संसद पूरी तरह से तैयार है। अब सांसदों के लिए नए बिल्स इसमें पेश किए जाएंगे, नए कानून इसमें बनेंगे। तो ये जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आप देखिए, नई संसद की नई तस्वीरें आपके सामने। राज्यसभा की तस्वीरें आप देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आपके सामने ये तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं। और पुरानी संसद जो थी उसमें बहुत दिक्कतें थी, वो बहुत छोटी थी, उसमें बैठने की सही से व्यवस्था नहीं थी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी भी उस तरीके से नहीं थी कि लैपटॉप या अपने जो स्मार्ट इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके, एक समय पर ही सभी सांसदों को कोई भी प्रेजेंटेशन उनके लैपटॉप पर दिखाया जा सके। टेक्निकली वो बहुत, जिसे कहा जाए कि पुरानी इमारत थी, 2027 में लगभग 100 साल पूरे हो जाते हैं उस संसद भवन को। तो उससे पहले ही ये नई संसद अब आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि उद्घाटन से पहले विवाद पूरे जोरों पर है, उद्घाटन को लेकर विवाद है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अपमान से इस पूरी बात को जोड़ दिया है। उधर बीजेपी कहती है कि भाई संसद के जो कस्टोडियन है वो स्पीकर है और ये स्पीकर का फैसला है। उस पर कांग्रेस का जवाब ये होता है कि लोकसभा के कस्टोडियन जो है वो जो है स्पीकर है ओम बिरला, लेकिन राज्यसभा के तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी उलझी हुई स्थिति, लेकिन सरकार झुकने का कोई मन में नहीं बना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही उद्घाटन किया जाएगा। पीआईएल लेकर आज एक वकील सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, वहां से भी उनको फटकार लगाई गई और उसको खारिज कर दिया गया उस पीआईएल को। फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, खूबसूरत कारपेट्स यहाँ पर बिछाए गए हैं और एक अच्छी लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई है सभी सांसदों के बैठने की। दोनों तरफ एलईडी लगाई गई है। ये राज्यसभा की तस्वीरें अब आप देखिए और ये एक भव्यता के साथ इसकी एंट्रेंस है, यानी जो इसका आगमन द्वार है वो एक भव्य रूप उसको दिया गया है और एक रिकॉर्ड टाइम में संसद को तैयार किया गया है। पुरानी संसद आपको दिखाई दे रही है गोल और उसके बराबर में ये त्रिभुजाकार जो संसद है वो आपके सामने है। तो ये देखिए नई लोकसभा और नई राज्यसभा। तो नई लोकसभा जो है वो हरे रंग में खूबसूरती अपनी बिखेरती हुई तस्वीरें आपके सामने और ये जो है ये नारंगी रंग में है राज्यसभा। तो इंटीरियर्स जो है उसमें कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान बहुत खूबसूरती के साथ रखा गया है, चक्र लगाया गया है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। टेक्नोलॉजी के नजरिए से भी ये बहुत हाईटेक इमारत है, तो आधुनिक संसद है, शानदार सजावट की गई है इस पूरी इमारत की और देश के लिए ये बहुत ही गौरवमयी पल है।